जय श्री श्याम। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ गीता का छठवां अध्याय लेकर, जिसका विषय है आत्म संयम योग। आपने अगर मेरी गीता की सीरीज रोज सुन रहे हैं, रोज गीता पाठ सुन रहे हैं, तो आपने जो भी शिक्षा ली हो उससे जो समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं जो गीता पाठ कर रही हूँ, जिस भाषा शैली में आपको सुना रही हूँ, वो आपको समझ भी आ रही है या नहीं। क्योंकि अगर ये गीता प्रयास मेरा 100 लोग भी अगर सुन रहे हैं, उसमें से 10 लोग भी अपना अगर जीवन परिवर्तन कर पाते हैं, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चल पाते हैं, तो मैं समझूंगी ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया, ये गीता पाठ करना मेरा सफल हो गया। तो गीता पाठ कर शुरू करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण जी का और माता महारानी का, राधे रानी का जयकारा लगाते हैं। बोल राधे रानी सरकार की जय, लाडली जी महाराज की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। तो आज का विषय है, अध्याय है छठवां, और आज का विषय है आत्म संयम योग। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले। भगवान कहते हैं कि अपने आप को हम खुद नरक में डालते हैं। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हम नरक में जाएंगे ना, और अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो इंसान ही अपना खुद का बैरी होता है, मानव स्वयं का खुद का बैरी है। तो अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश है। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में, मान और अपमान में जिसके अंत्यकरण की वृत्तियां भली बात शांत हो गई हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से निवास करते हैं। जिसका अंत्यकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसके मन में ज्ञान है, जिसका अंत्यकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, मतलब उसमें कुछ भी बुराई बाकी नहीं रह गई है, जिसकी इंद्रियां भली बात जीत ली गई हैं, जिसकी मतलब अब उसको किसी अपनी इंद्रियों के बस में नहीं रहना पड़ रहा, वो जो अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक ही समान है। जैसे मिट्टी है, पत्थर भी है और सोना रखा हुआ है, उसके लिए उसकी नजर में अब वो सब एक समान है। जैसे कहते हैं ना, साधु के लिए कुछ भी चीज भिन्न नहीं है, साधु के लिए वो सब मिट्टी है। वह योगी अर्थात भगवत प्राप्त है। स्वार्थ रहित मित्र बैरी, स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित और दोनों ओर की भलाई करने वाला, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी आत्मा को निरंतर परमात्मा में ही लगावे, क्योंकि परमात्मा ही हमारी मुक्ति का साधन है। शुद्ध भूमि में एक साफ जगह हो, गंदी ना हो, जिसके ऊपर क्रम से कुसा यानी कि जो घास के बने हुए आसन आते हैं, उसके मृग छाल या वस्त्र बिछाकर, और वो आसन ना तो ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, ऐसे अपने आसन को बिछाकर उस पर बैठे। उस आसन पर बैठकर अपने चित्त को प्रभु और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मतलब योग का अभ्यास करके ही तो हम प्रभु को पा सकते हैं। सारी इंद्रियों को बस में करके, मन को बस में करके, अंतकरण की शुद्धि करके, ठीक है। उसके बाद बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर
मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त करता है। जब कोई भी मनुष्य ऐसा करता है, रोज ध्यान करता है, रोज प्रभु नाम लेता है, सुमरण करता है, उन प्रभु के बनाए बताए हुए ग्रंथों को पढ़ता है, तो उसके मन को जो शांति मिलती है वो किसी भी जगत में बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मिलेगी। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले को, कोई ये सोचे कि मैं बहुत खाता रहूं तो क्या बहुत खाने वाले को भगवान मिल जाएंगे, या कोई कहे मैं तो हमेशा व्रत में रहूंगा, मैं भाई अब बिल्कुल 20 साल हो गए मैं नहीं खाना खाऊंगा, या दिन में केवल एक ही बार खाना खाऊंगा, दिन में एक ही बार चाय पीऊंगा, या केवल पूरे दिन में एक बार फल खाऊंगा, तो आप बताइए क्या उसको भगवान मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये ना तो बहुत खाने वाले को, या ना बिल्कुल ना खाने वाले को, ना बहुत सोने वाले को, जैसे कोई कुंभकर्ण टाइप पूरे दिन सो रहा है उसको भगवान मिलेंगे क्या, और या पूरे दिन जागने वाले को जो रात में भी नहीं सो रहा तो उसको भगवान मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं ये ऐसे लोगों को नहीं मिलता मैं, तो दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त परमात्मा ही में ही भली बात स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार एक बंद कमरा हो उसमें आप दीपक जलाओ तो आप देखेंगे दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जलेगी, बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं, और वो सीधी एकदम जलती रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी डुलेगी। उसी प्रकार हमें अपना ध्यान करते समय एकाग्र चित्त होकर एक एकांत में बैठकर ही आसन बिछाकर अपने योग का ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, अब परमात्मा में लीन होना चाहिए, तभी आप योगी के जीते हुए चित्त की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हेतु जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति हेतु जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको भी हमें बड़े बड़े योगी ऋषियों से जानना चाहिए, ताकि हम अपने योग को, ज्ञान को, बुद्धि को सही राह पर चला सके। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त में ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन हमारा किधर डोलता है, किन किन परिस्थितियों की तरफ, किन किन क्षेत्रों में भागता है, वो मैं आपको थोड़ा दृष्टांत देती हूँ। जैसे काम की तरफ, कुछ मनुष्यों का ध्यान काम की तरफ होता है, कुछ हमेशा क्रोधित रहते हैं, कुछ अपने मद में, अपने घमंड में रहते हैं, कुछ लोभ में, पैसे का लोभ, इतना बस उसी में ही बने रहते हैं। तो ये स्थिर न रहने वाला चित्त चंचल होता है, और ये चारों दशाएं जो मैंने बताएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनके पीछे ही भागता रहता है। उस विषय से रोक कर हमें, जब भी हमारा मन इन विषयों की तरफ भागे, काम की तरफ, क्रोध की तरफ, मन मद की तरफ और लोभ की तरफ, इसमें से किसी भी परिस्थिति में अगर हमारा मन भाग रहा है तो हमें उसको पकड़ के लाना है। जैसे कि कभी कोई अनियंत्रित गाड़ी हो गई तो हम उसमें ब्रेक लगाते हैं और उसको वापस अपना सही रूट पे ले जाते हैं। अगर गलत गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार अगर हमारा चरित्र, हमारा मन गलत दिशा की तरफ जा रहा है तो वो हमें भ्रमित करेगा और प्रभु भक्ति से हमारा मन हट जाएगा। मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ, प्रभु भक्ति में मन लगाना बड़ा कठिन है, बहुत रुकावटें आती हैं, इतनी जल्दी प्रभु का नाम मुख से नहीं निकलता। हम कृष्ण को नहीं चुनते हैं, कृष्ण हमको चुनते हैं। जब हम रोज अभ्यास करेंगे, रोज हरि सुमरण करेंगे, तब भगवान कहेंगे हाँ अब तुम ठीक उस लायक हो कि तुम प्रभु भक्ति कर सको। जब भी कभी अगर आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है तो मानो कि आज तुमने कुछ ऐसे पाप किए जो भगवान अपना मुख, तुम्हारे मुख से अपना नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब तुमने कुछ इतनी खराब कर्म किए हैं कि तुम्हारे मुख से वो चाहते ही नहीं कि भगवान का नाम निकले, उनका नाम निकले। तो इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिसका मन
भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है रजोगण से शांत है। ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सब में स्वभाव से सबको संभाव से देखने वाला योगी, सबको संभाव से मतलब किसी को कम ज्यादा नहीं आंकना है, मेरे लिए तो सब एक बराबर हैं। सबको संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को उसको मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं आपको अपने जीवन के बहुत सारे मेरे अनुभव हैं जो प्रभु भक्त के पथ पर चलते हुए मेरे साथ हुए हैं। प्रभु आते हैं, आप सच मानो, बिहारी जी राधे रानी दर्शन भी देती हैं और अनुभव भी देती हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूंगी। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो में, दो वीडियो में सुना भी होगा, कुछ की आवाज़ सही नहीं थी, उनको मैं दोबारा बताऊंगी। तो प्रभु दूर नहीं है, प्रभु हमारे पास में ही है, हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे पास हैं। जब ही हम आज मैं बैठकर आपके सामने प्रभु भक्ति का नाम, प्रभु नाम का जाप कर पा रही हूँ। अगर प्रभु नहीं चाहेंगे उस दिन मेरा ये जाप बंद हो जाएगा। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख या दुख को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसलिए उसको बस में करना वायु की रोकने की भांति दुष्कर लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, इस मन को रोकना तो ऐसे समझो जैसे कि हवा को रोकना है, हवा किसी के बस में नहीं आती। ऐसे ही मन घोड़े की रफ्तार से हमारा चलता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, एक पल में हम अमेरिका के बारे में सोचने लगेंगे, एक पल में हम कुछ अच्छे से व्यंजन को खा रहे हैं, होटल में पहुँच गए उसके बारे में सोचने लगेंगे। तो एक पल में हमें भ्रमण करवा लाया, तो ये मन ही हमारा दुश्मन है, हमें प्रभु भक्ति से हटाने वाला है, इसको बस में करना अति आवश्यक है। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। यही तो मैं कह रही हूँ, अभ्यास रोज करो, रोज प्रभु भक्ति करो, रोज नाम जप करो, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे एक बच्चे को रोज हम ओलम सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, एक दिन आता है ना बच्चा सीख जाता है, ऐसे ही जब हम रोज भगवान का नाम लेंगे तो हमारा ये अभ्यास एक दिन हमको परम योगी, परम सिद्धांतवादी बना के ही रखेगा। जिसका बस मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसा पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की दृष्ट सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त ना होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन कह रहे हैं, अगर कोई संयम कर ही ना पाए प्रभु, तो वह किस गति को प्राप्त होगा, कृपया मुझे ये भी बताएं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है, तुम सही राह पे चल रहे हो, सतमार्ग पे चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुमसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन प्रभु तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ दे, कोई शैतानी कर रहा है, मिट्टी में लौटने जा रहा है, कीचड़ में लौटने जा रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, तो एक माँ अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगाती है, हाथ पकड़ती है और घर लेके आती है और उसको साफ सुथरा करती है, नए वस्त्र पहनाती है। उसी प्रकार यदि हमारा मन किसी गलत दिशा में जा रहा है तो प्रभु उसको वापस ले आएंगे, हमें डांट लगाएंगे, मतलब हमें कोई सजा देंगे और दोबारा हमारा नाम जप में मन लगा देंगे। बस प्रभु पर विश्वास करना मत छोड़ो।
और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो भगवत प्राप्ति के रास्ते पर ही निकल पड़ा था, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। जब कोई इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो मृत्यु उपरांत भी अगर वो जन्म लेगा तो भी वो अच्छे कुल में ही जन्म लेगा, और उसके मन में अपने पिछले जन्म के सारे संस्कार आएंगे, जिससे वो बचपन से ही उन कामों को करने लगेगा, अच्छी राह पे चलेगा। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। मेरा बेटा 25 साल की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ के जो वैकुंठ धाम को चला गया, वो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत पूजा पाठ करता था। रोज नित्य नियम था उसका, गौ सेवा करना, बंदरों की सेवा करना, रोज मंदिर जाना, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना, बांके बिहारी के मंदिर का तो बहुत भक्त था, बस जाता ही रहता था। उसका कुछ प्रारब्ध रहा होगा कि उसने एक साल उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, उसका बहुत कष्ट हो गए, लेकिन उसने अपना पूजा जप योग ये सब बंद नहीं किया, वो अपने सही राह पर चलता रहा। तो उसके प्रारब्ध के चलते जब उसकी जीवन लीला को अंत होना भी था तो एक पल में उसको प्रभु ने कष्ट नहीं दिया, एक पल में उसके प्राण पखेरु प्रभु श्री कृष्ण भगवान अपने साथ राधे रानी ले गई और उसको परम गति को पहुंचा दिया। कभी भी जो पूजा पाठ करने वाला है, भगवान उसको अंत समय पर कष्ट नहीं देते, पल में उसके प्राण ले लेते हैं, पल में। नहीं तो जो पापी होता है उसके ये प्राण भी ना बड़े मुश्किलों से निकलते हैं, बड़े कष्ट देते हैं भगवान उसको, क्योंकि वो उसको अपने पापों की सजा तो भोगनी पड़ेगी ना। तो उसने अपनी 24 साल तक की उम्र में वो काम किए जो शायद मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाऊंगी। तो मैं अपना बड़े बेटे अविकल सिंगल को अपने प्रेरणा स्रोत मानती हूँ कि आज उसके ही सोच कर मैं इस राह पे चली कि मेरा बेटा इतनी पूजा पाठ करने वाला था तो मैं उसके शोक में रहकर अपना जीवन क्यों बिगाड़ू, क्योंकि उसने तो अपने जीते जी इतनी पूजा पाठ की है, दान धर्म सेवा की, खूब गरीबों की सेवा करी, खूब संत सेवा करी, और मैं शोक में ही अपना जीवन बिता दूँ।